कांग्रेस को, देश की नहीं हमेशा वोट बैंक और एक ही परिवार की चिंता। नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बेबाक बात में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। दोनों ही दल, जो प्रमुख दल हैं राजस्थान के, कांग्रेस और बीजेपी, अपनी अपनी सेनाओं को मैदान में उतार चुकी हैं और तरकश से बाण अब निकलने शुरू भी हो गए हैं। राजस्थान में चुनाव का पारा तेज बढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के, भाजपा वापस लौटने के दावे कर रही है तो कांग्रेस अपनी वापसी के संकेत बार बार दे रही है। आखिर में क्या होगा चुनाव में, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन अब पार्टियों के क्या हाल हैं, पार्टियों की क्या तैयारी है, और विशेषकर कांग्रेस जो देश के तमाम राज्यों में चुनाव हारने के बाद राजस्थान से सबसे ज़्यादा आस लगाए बैठी है, आखिर में राजस्थान को लेकर उसका क्या दावा है। इस सब पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है, हालात तो वैसे पूरे देश भर में बड़ी खस्ता है, राजस्थान में किन बातों को लेकर बड़े दावे हैं, क्योंकि देश में तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। देखिए, बहुत साफ बात है, राजस्थान की जनता पिछले 4.5 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है वसुंधरा राजे जी की बीजेपी सरकार बनने के बाद में, और जो वायदे उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बढ़ चढ़ के घूम घूम करके अपने वो सर पर सब जगह दूसाले चुनरी ओढ़ ओढ़ के रिश्ते बना बना के जो वायदे किए, उन वायदों की पोल जनता के सामने खुल गई, और अब वही वसुंधरा जी गौरव यात्रा के नाम पर उन्होंने वापस शुरू किया है, तब उनकी कुर्सियां खाली है, लोग आ नहीं रही हैं, और तो और पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी सरकारी लोगों को बुलाया गया, दबाव दिए गए, इवन ग्राम सेवक और पटवारी तक को कहा गया कि तुमको इतने लोगों को लेकर के जयपुर में आना है, और उनको सरकारी पैसे से मास्टरों को बुलाया गया जयपुर के अंदर, और ये कहा 2013 के बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है उनको बुलाया गया। अब आप देखिए कि सरकार के अंदर भय का वातावरण इतना बन गया कि काले कपड़े पहन के कोई नहीं आ सकता। यानी आपका मानना है कि जनता जो है वादा खिलाफी के कारण नाराज है? नहीं, जो सरकार के जितने भी काम है लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो कोई वादा नहीं है ना, हम आपको आम जन को सुरक्षा देंगे, ये सरकार का काम है। आज जिस तरह से आज किसान जिस तरह से आत्महत्या राजस्थान में कर रहा है, और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में 100 किलोमीटर की 12 से झालावाड़ यात्रा हुई, मैं भी चारों दिन उस समय पायलट साहब के साथ था, और आप देखिए कि विधानसभा में उन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की 50,000 की, पर उसमें किस तरह से किया, बाद में तालियां बजवा दी, और तालियां बजवाने के बाद में उसके ऑर्डर्स जो निकले हैं उसमें 2 हेक्टेयर से तक की जो जमीन है उसको 50,000 मिलेगा, जबकि कॉपरेटिव के अंदर लोन 20,000 से ज़्यादा 2 हेक्टेयर वाले को मिलता ही नहीं है, तो 50,000 का दावा खोखला, नंबर एक। नंबर दो, जो हिंदुस्तान के अंदर जो बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक, जिनको रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है, कॉपरेटिव बैंक को भी रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है, तो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका यूको बैंक है, बड़ौदा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये सारे बैंक जो गांव और कस्बे के नज़दीक जिनके ये बैंक की शाखाएं, किसान ने वहाँ से भी लोन लिया है, उनको माफ़ करने की घोषणा नहीं की। लेकिन पिछली बार जब 2013 में जब आपकी सरकार रुखसत हुई थी, सुपड़ा साफ हुई थी यहाँ से, तब भी यही मुद्दे थे, तब जनता यही कह रही थी कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, कांग्रेस ने किसानों पर अत्याचार किया, कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर नहीं, यही बातें जो आज बीजेपी की सरकार के लिए कही जा रही है, कुल मिलाकर यही बातें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए कही जा रही थी, तो जनता कैसे विश्वास कर ले, कांग्रेस आए चाहे बीजेपी, वादे के साथ तो वही नाता है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया और उस मारा जाता है आदमी। बिल्कुल, आपकी इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
देश में 72,000-73,000 करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने माफ किया, देश में माफ किया, पूरे में मोदी जी ने भी कर्जा माफ किया। देश में 82,000 करोड़ का कर्जा है किसानों पर, मोदी जी ने वो माफ नहीं किया। उन्होंने माफ किया केवल 15 घरानों का 2,20,000 करोड़ का कर्जा। उसमें तो बार बार बीजेपी सरकार की ओर से आ चुका है, वो एनपीए, वो कर्जा माफ नहीं किया गया है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं प्रताप राव जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी भी गांव में जाइए, अपन राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी जयपुर, आपके अपन जयपुर में बैठे हुए, पास में किसी गांव में चले जाइए, वहां पूछिए कि कोऑपरेटिव बैंक का लोन जो है किसी ने नहीं चुकाया है, तो वहां पर उसकी वसूली के लिए जो ढोल बजाने के लिए आता है कोऑपरेटिव की तरफ से, वहां गांव में ढोल बजाया जाता है, जिसके नाम का कर्जा होता है उसके नाम का ढोल बजता है कि हम इससे वसूली लेने आए हैं, इन्होंने कर्जा नहीं चुकाया। देखिए देखिए, एनपीए उनके लिए एनपीए नहीं है, ये क्या मतलब है? एनपीए किनका? जी मैं एक उनका 1,000 करोड़ रुपया जिनके पास है उनका एनपीए। क्या कर्ज माफी की भीख जो है किसान, वही उसके लिए सर्वोपरि है? क्या बार बार कर्ज माफी करके क्या किसान का उत्थान किया जा सकता है? या कोई और कोई रास्ता है कि कर्ज देने लायक बन जाए किसान, किसान कर्ज चुनकाने लायक बन जाए, किसान मजबूत हो जाए और कर्ज माफी की भीख जो है वो किसी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाए? किसान आत्मस्वाभिमानी है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब किसान खेत में बीज डालने जाता है तब आपको मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, चूंकि आपने बात पूछी है मेरे से, वो बीज डालने के पहले भगवान से ये प्रार्थना करता है, कीड़ी को देना भगवान, हाथी को देना, सबका पेट भरना, बाकी बचे वो मुझे देना। ये हमारे किसान का दिल है, दरिया दिल है। आज जब वो ये देखता है कि जो सरकार खरीद मूल्य तय किया, जिसने सरकार ने, जैसे उड़द का भाव क्या है और बार बाजार में कितने भाव बिक रही है, सरकार खरीद नहीं रही है उसको। देखिए, एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ। देखिए, मोदी सरकार तो 4 साल से आई है, आपकी सरकारों ने, आपकी पार्टी की सरकार लंबे समय से रही, किसान कोई आज हालात ये हुई है लगातार आजादी के बाद, क्यों नहीं कांग्रेस ने इतनी लंबी सरकारें रही, किसान क्यों कुचलता जाता रहा, क्यों किसानों को कुचला जाता रहा, क्यों किसानों का जो उपज है वो दलालों के हाथों में, आड़तियों के हाथों में और बिचौलियों के हाथों में जाती रही, क्यों किसानों को मजबूत नहीं किया गया? आज बड़े किसान की बात करके राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसान हितैषी हैं, कहाँ गए थे वो 60 साल जब वो सत्ता में थे? क्यों नहीं सोचा किसान के लिए? क्यों किसान आत्महत्या करता रहा? क्यों किसान भूखे मरता रहा? क्यों किसान परेशान और गरीब रहा? तब क्या उनको ध्यान नहीं था कि वो सत्ता में बैठे हैं, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल किया है, जितने भी कदम उठाए गए, आप चाहे तो हालत ऐसी क्यों है? आप देखिए, अकाल, मेरी बात सुनिए, जब अकाल आता है और सुकाल, ये दो चीज है, अकाल और सुकाल, बाढ़ आ गई तो सुकाल हो गया, वो सारा पानी इतना ज्यादा आ गया कि वो फसलें उसकी खत्म हो गई, ज्यादा बरसात में भी फसलें खत्म हो जाती है। और जब आपके आज भी हालात अकाल के हो गए हैं राजस्थान के अंदर, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र के अंदर जो है 20% से कम बारिश हुई है, और बहुत बहुत बुरी, क्योंकि मैं राजस्थान में गाँव में सब जगह घूमता हूँ, सबसे पहले मैं सब जगह जाता हूँ, गाँव में खुद देखता हूँ, फसलों को देखता हूँ, ये सारी है। और ये गिरदावरी की रिपोर्ट वगैरह, सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, निर्देश देने चाहिए कि भाई जहाँ पे नुकसान हुआ है, हालात हुए हैं, जहाँ पे फेमिन को डिक्लेयर किया जाए, उस और कदम उठाना चाहिए। देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई किसी और किसी प्राइवेट के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उसकी तो मंथली उसको सैलरी मिलती है, किसान की कोई मंथली सैलरी शुरू से नहीं है, आज से नहीं, शुरू से नहीं है। वो जैसे मैंने अभी कहा कि वो जब कमाना शुरू करता है, कमाना मतलब वो जब खेती के अंदर बीज डालता है, उसके पहले वो प्रार्थना कर लेता है कि कीड़ी को देना, हाथी को देना, बाकी बचे मुझे देना। सॉरी साहब, आज बात यही है कि कांग्रेस आज इतनी बड़ी हितैषी बन रही है गाँव किसानों की, लेकिन आखिर में उसने अपने 70 साल के इस सफ़र में, आज़ादी के बाद के सफ़र में क्या किया, क्यों नहीं किया, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा। मैं क्या जी, जरा गौर फरमाइएगा, एक और है हिंदुस्तान,
जहां मोदी भर रहे हैं सरकारी खजाना। एक मैं हूं कंगाल मुल्क का वजीरे आजम, जहां तिजोरी में ढूंढे नहीं मिलता चार आना। खर्चा चलाने के लिए पॉकेट मारता है मेरा अफसर, सरकार चलाने के लिए मेरे मंत्री लगाते हैं हाफिज भाई के चक्कर। पाकिस्तान की तरक्की के लिए पैसा जुटा रहा हूं। ओ गॉड, पहले कारें बेची थी, अब भैंसे नीलाम करा रहा हूं। ओ बड़ी टेंशन है यार, कहीं से मिल जाए बस उधार। बाबा, 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 बाबा। ब्रेक के बाद विभाग बाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, बात हो रही थी आखिर में किसानों की, बात लेके किसान तो एक मुद्दा है ही निश्चित तौर पे, राजनीति ने राजनेताओं ने कहीं ना कहीं किसानों के साथ कहीं सही व्यवहार नहीं किया, आज इसलिए किसान हालात ये हैं। चौधरी साहब, बात यह है कि क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार क्या बीजेपी से सत्ता छीन लेगी, क्योंकि जो हालात हैं कांग्रेस के वो भी कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है कि हम बीजेपी को राजस्थान से रुक्षत करेंगे, उनकी विदाई उन्होंने पब्लिक ने तय कर दी है। चौधरी साहब, आपकी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए तो बहुत लड़ाई तय, पर ये तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत होंगे, सचिन पायलट होंगे या सीपी जोशी होंगे, आपस में तीनों में इतनी टकराहट है, एक गुट दूसरे गुट को चाहता नहीं है, खींचतान लगी रहती है, कभी कोई मैसेज भी वायरल होते हैं और आपस में जब गुट मिलते हैं तो एक दूसरे के कपड़े भी फट जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखिए, अभी लेटेस्ट जो है राहुल गांधी जी की यात्रा हुई राजस्थान में, सागवाड़ा। मैं भी वहां पर था। राहुल गांधी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात को शुरू किया कि मैंने अखबार, एक दिन अखबार खोला और अखबार में मैंने एक फोटो देखा, सचिन पायलट मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अशोक जी पीछे बैठे हुए हैं, राजस्थान में कांग्रेस जीत गई, ये मैंने सोच लिया। इसका मतलब क्या था? ये तो आप सोचो, इसका मतलब प्रश्न तो आपने किया है। इसी से जब उन्होंने ये कहा तो यहीं से बड़ा सवाल उठा कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि अब दोनों में टीम मैनेजमेंट अच्छा हो गया है, इसका मतलब जब तक उन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी थी उनको भी ये विश्वास था कि आपस में दोनों में टसल है। उन्होंने यहां पर रामलीला मैदान के अंदर कहा था, वहां पर भी मैं था, वही रिपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, वहां उन्होंने हाथों खड़े किए, गले भी मिले, सब आपने सबने उसकी फोटोएं भी खींची, वीडियो कैमरे भी बने, सब कुछ हुआ। पर राहुल जी ने यह कहा कि मैंने नहीं कहा इनको कि आप एक हो जाओ, ये शब्द बोला है राहुल जी ने, ये बात अपने बोली है, ये अपने आप हुए हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। क्योंकि चुनाव की बात आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अपनी नीति रीतियों पर कहीं ना कहीं भरोसा कम होने लगा है और इसलिए वो शिफ्ट कर रही है धीरे धीरे। जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के किसी नेता को, सोनिया गांधी तक, किसी अध्यक्ष को कहीं मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमते हुए नहीं देखा, तिलक लगाते हुए नहीं देखा, कैलाश मानसरोवर जाते हुए नहीं देखा, जनेऊ धारण करके पूजा करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था थी, वो उस पूजा करते होंगे लेकिन अपने व्यक्तिगत तौर पे करते थे, लेकिन राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पे करके उसे खबर भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों की कहीं ना कहीं नकल करने लगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी के वोट तोड़ने के लिए या इसी तरह से राजनीति आगे बढ़ेगी कांग्रेस की? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, जैसे कल वर्धा के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और आप देखिए कि जिस थाली में राहुल गांधी जी ने खाना खाया, सोनिया गांधी जी ने खाना खाया,
वो थाली को भी उन्होंने खुद ने धोया, खबर तो बनेगी ना। ये गांधी जी जो करते थे उसको लोग देखते थे और उसके ऊपर चलते थे। तो यानी कि पहली बार उन्होंने धोया? नहीं नहीं नहीं, ये खबर खबर की बात, ये खबर चौधरी साहब, चौधरी साहब इससे बड़ा एक एक दूसरा सवाल आया है, क्योंकि ये खबरों में चल भी रहा है कि राजनीति के चक्कर में सोनिया जी और राहुल जी से थाली भी धुलवा दी पहले। नहीं नहीं नहीं, या पहले भी धोते थे वो थालियां? आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, 150 वर्ष जयंती मनाई गांधी जी की कल, और विश्व ने भी, विश्व का मतलब हम यूएनओ को मानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने भी उनके जन्मदिन को विश्व शांति दिवस के रूप में घोषित किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत देश के लिए गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी ने जो है उनके जन्मदिन पर वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, और चूंकि हमारे जो नौजवान अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने नौजवानों को, जो को नई पीढ़ी जो है उनको गांधी जी के बारे में उतना पता नहीं है। आज देश विश्व के अंदर आवश्यकता है। मैं इस बात को नहीं मानता, राहुल गांधी एक दिन थाली धो देते तो उससे कोई प्रेरणा मिलेगी क्या? इसका मतलब ये है कि वो दिखाने के लिए धो रहे थे थाली, या वो रोज धोते हैं थाली? ये बड़ा सवाल है कि क्या वो अपने जीवनचर्या में, क्या उनकी जीवनचर्या में ये गांधीवाद है, या वो केवल, आपने बात बिल्कुल ठीक कही, वो हर एक्ट से गांधीवाद उनका झलक रहा है, दिख रहा है, क्योंकि पहले उनकी एक्टिविटी को नोटिस नहीं किया जाता था, अब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, 150 साल पुरानी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आज यदि वो कैलाश मानसरोवर गए जैसा आपने अभी कहा, वो खबर क्यों बनी? और क्यों बीजेपी के नेताओं ने ये आलोचना की कि वो गए नहीं कैलाश मानसरोवर, वो तो कहीं छुप के बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही फोटोएं पोस्ट कर रहे हैं? अब आप बताइए, इस तरह की सोच रखने की बात क्या ऐसा लगनी है? चौधरी साहब मैं यही कहना, इतने परेशान बीजेपी के लोग क्यों हो रहे हैं कि वो मानसरोवर चले गए? मैं इसी को कहना चाह रहा हूं। देखिए क्या है कि देश की 60 साल की जो आजादी के बाद की जो राजनीति है, वो नीति रीतियां और क्या इश्यूज हों वो कांग्रेस तय करती थी। क्या कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब जो रीति नीतियां हैं वो भाजपा तय कर रही है और कांग्रेस उस गेम को खेल रही है? अब कांग्रेस को क्यों इस बीजेपी के गेम में पड़ने की जरूरत है? क्यों नहीं कांग्रेस अपने उसी गांधीवादी सिद्धांत को चलते हुए, उस धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को रखते हुए, और जो सांप्रदायिक अपनी जो परंपराएं हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर ही रखते हुए क्यों नहीं आगे? आप देखिए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा जी रही, ये सब धार्मिक स्थलों पर जाते रहे, है ना? देखिए, नहीं, चर्चा तो होती थी। इंदिरा जी जहाँ जाती थी आदिवासी एरिया में, मणिपुर गई तो मणिपुर की ड्रेस को पहन के उनके साथ फोक डांस के अंदर, उसकी लेकिन पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती थी। अरे क्या बात करते हो, फ्रंट के ऊपर खबर छपती थी, पॉलिटिकल चर्चा की आज मंदिर के दर्शन किए इंदिरा ने? नहीं, आप ये देखिए कि आज जैसे अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि सबरीमाला में महिलाएं जा सकती है, कोर्ट का आदेश, पहले वहां की सामाजिक व्यवस्था थी कि वो महिलाएं नहीं जा सकती, है ना? अब जैसे सनी सिंगनापुर का मंदिर है नासिक में, पहली महिलाएं नहीं है, अब वहां की अध्यक्ष ही महिला बन गई है। हाँ। तो परिवर्तन हुआ है ना, परिवर्तन हुआ है, तो वो परिवर्तन की खबर तो बनेगी। पर भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी खुश है, ऐसे कहती है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि 4 साल की यह है कि राहुल गांधी को हिंदू बना दिया। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं आपको प्रताप जी ये कहूं कि उनसे उनसे पूछा, संसद में भी बोले, नहीं नहीं, मेरे को आरएसएस और भाजपा ने हिंदू बनाया, शिवजी सिखाया, वो बोले हो? अरे सुनो, उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो राहुल जी ने कहा मेरा धर्म तिरंगा है, ये राहुल जी ने कहा। तो इसका मतलब उनका कमिटमेंट है राष्ट्र के प्रति। राहुल जी इस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में आते जा रहे हैं, एक एक विषय उसी तरह के, अब वो मुद्दे भी इसी तरह से उठा रहे हैं कि बीजेपी के ट्रैप में आ रहे हैं। क्या लगता नहीं कि ये जो शिफ्ट है कांग्रेस के अपने वोट बैंक को खत्म कर रहा है? अब जैसे उन्होंने जिस तरह का किया है, तो आज मुसलमानों के मन में भी शंका होने लगी है कि कहीं कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी पार्टी थी, जो मुसलमानों के पक्ष में बोलती थी, जो मुसलमानों के अधिकारों को लेकर सबसे बड़ी लंबरदार पार्टी थी, अब वो कहीं ना कहीं उससे अलग होती जा रही है और हिंदुओं की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। अब आप देखिए, ये केवल बीजेपी को अपनी मन को खुश रखने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि कांग्रेस तो अपने सिद्धांतों पे ही चल रही है, उसके अंदर कांग्रेस का कोई डेविएशन नहीं आया, एक बात। दूसरी बात, राहुल जी ने भी ये साफ तौर से कह दिया कि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बने। भारत में आगे चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है, वो है सबसे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा, जिसे बीजेपी अब हवा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कैसे निपटेगी, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग, और किचन में है झोंक के छींटे, आचार के धब्बे कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान, सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों को विदेशी फ्लोर क्लीनर का समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, है ना मैडम? बिल्कुल। आ गया पतंजलि गो नाइल और होम क्लीनर्स की रेंज। स्वान एग्रो प्रेजेंट्स डस्टर सीरीज रोटावेटर, खास तौर पर लाइट सॉइल के लिए तैयार किया गया है। इंपोर्टेड स्टील टेम्पर्ड ब्लेड, हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स, स्वान रोटावेटर। गोल्डी और पेटीएम, स्वाद भी कैश भी। गोल्डी मसाले के चुनिंदा बैग्स के साथ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का पेटीएम कैश बैग। विश्वास के दम पे 6000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला लिया अगरबत्ती, खुशबू जो विश्वास जगाए। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद बेबाक बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, बात हो रही थी कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी बार बार अब राम मंदिर के मुद्दे को हवा देने में लगी हुई है और कह रही है कि राम मंदिर बनाया गया, और हाल ही में जो आरएसएस के सरसंघ चालक है मोहन भागवत ने तो ये कह दिया कि अब कोई राम मंदिर का कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर सकती, इसलिए राम मंदिर बनना चाहिए। क्या सोचती है कांग्रेस, क्या इस तरह का बयान चुनाव के ठीक पहले आना, और दूसरा क्या कांग्रेस भी उसी बैंड वैगन में शामिल हो गई है जो मोहन भागवत कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड शुरू से क्लियर है, और मैं आपको ये बता दूं, देश की जनता भी जानती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, रामलला के ताले उन्होंने खोले थे। राम मंदिर बनाने के नाम पर, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तेजी से कार्रवाई चल रही है, उस बनाने के नाम पर वापस मोदी जी हिंदू जनता को अपने साथ कर जाएंगे। कांग्रेस क्या सोचती है, क्या कांग्रेस कोई ऐसा दावा करके कोई मंदिर के मुद्दे के बारे में देखिए, बहुत मैंने आपसे जब ये बात कही कि ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए रामलला के, देखिए देखिए बीजेपी के साथ, देखो देखो मैं ये नहीं, मेरी बात सुनो, आपके माध्यम से मैं जनता तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि रामलला के दर्शन और उनके ताले राजीव गांधी ने, देश के प्रधानमंत्री जब थे, उन्होंने खुलवाए थे और वहां पे पूजा अर्चना शुरू करवाई थी, और वो ढांचा भी नरसिम्हा राव जी के टाइम, और जब ढांचा टूटा जी, ढाया मस्जिद ढाया गया, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद को ढाया गया, तो उस समय की सरकार जिन्होंने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट वर्ड देखिए, गवर्नमेंट का एफिडेविट होता है, एफिडेविट दिया गया था जी, फेल हो गई। और आप ये देखिए, ये भी देश की जनता को पता है, लेकिन आज है, क्योंकि जब मोहन भागवत ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी आज मंदिर निर्माण की बात कर रही है, तो शंका ये होती है कि आखिर में मुसलमानों के साथ कौन खड़ा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, बात मुसलमान मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बात आप क्लियर कर ले, मुसलमानों ने मंदिर का विरोध नहीं किया है, और हिंदुओं ने भी मस्जिद का कोई विरोध नहीं किया है, मस्जिद ने बनी भी है कोई हिंदू ने,
अब ये विवादित ढांचे की जगह को लेकर के कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, तो उसके निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हिंदू ये कहते हैं कि 1526 में बाबर आया, बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा और वहाँ मस्जिद बना दी। उसके बाद लगातार संघर्ष हुए और अंग्रेजों के टाइम पर वहाँ सबसे पहले नमाज अदा करने की छूट दी गई। तब तक संघर्ष चल रहा था। उसके बाद आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद मूर्ति एकदम प्रकट होती है और ताले लग जाते हैं, बंद हो जाता है। कुल मिलाकर उसके बाद भी लगातार, आज़ादी के बाद भी 70 साल लगातार संघर्ष चलता रहा है। कितने ही लोग मारे गए हैं इस दंगों में, आपस की लड़ाई में। अगर ये सब नहीं था, हिंदू मंदिर बना, हिंदू मस्जिद बनाना चाहते थे या मुस्लिम मंदिर बनाना चाहते थे, तो फिर आखिर में इतना लड़ाई, खून खराबा, इतना आपने बात बिल्कुल सही कही है। मुझे एक बात बताइए कि जितने लोग जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और जो लोग, जितने लोग वो माइक पे बोलते थे, टीवी चैनल्स पे आते थे, कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जीत के चले गए उस राम मंदिर के नाम पर, है ना, राम राम मंदिर बना, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो चले गए, उनके सबके टीवी चैनल्स पे सब जगह गायब भी हो गए, सारे चीजें हैं उनके और वो अब कहीं नजर भी नहीं आते हैं। अब वो सारे लोग होंगे जिनको राम के नाम पर, जो मंदिर के नाम पर जीत के चले गए, जो चंदा इकट्ठा हुआ उस चंदे का हिसाब क्या है, जो देश की जनता से एक एक रुपया ईंट और जो भी था करके इकट्ठा किया गया, क्या हुआ उस सब चीज़ का। मैं क्योंकि इसलिए कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हमेशा बीजेपी ने उठाया है और सत्ता में आती रही है बार बार, मुझे एक बार फिर लग रहा है कि आशंका इस बात की हो रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस बार वापस राम मंदिर का मुद्दा उठाएगी। और जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट ये कहता है कि उसको 3 भागों में बांट दिया है, एक भाग उसने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, 2 भाग एक मंदिर निर्माण समिति को दे दिया, 1 भाग निर्मोही अखाड़े को, क्या कांग्रेस, क्योंकि वहाँ हिंदू फिर मांग कर रहे हैं कि ये जो जमीन है पूरी की पूरी हमारी है, वहाँ किसी वक्फ बोर्ड को भी नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि ये मसला तो अटकने वाला है। क्योंकि ऐसे में क्या, क्योंकि फिर वही परिस्थितियां आएंगी। आज ये स्टैंड क्लियर करने की पार्टियों को जरूरत है कि किस तरह से इस मसले को निपटाया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी की क्या। देखिए मेरी एक बात सुनिए आप, ये आरोप बीजेपी लगाती रही कांग्रेस के ऊपर हैं कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पे मंदिर नहीं बनने दे रही है, ये बीजेपी का एम्फेसिस था और ये चार्ज लगाते बोले यही काम करती रही ना। पर अब पिछले 4 साल से ये काम क्यों अब कांग्रेस का क्या रोल है उसके अंदर, अब वो बनाए ना वो वहां पे राम मंदिर, किसने रोका है उनको, मुझे बताइए। पर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और विपक्षी दल बार बार विरोध करते हैं। अरे कमाल है ये वो कहते हैं कि जब हम कोर्ट के सहारे खड़े करने की कोशिश करते हैं तो कपिल सिब्बल और दूसरे कांग्रेस के जो वकील हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कहां टाला है कोर्ट ने, कोई फैसला नहीं लिया ना, कोर्ट ने तो अगेंस्ट लिया, उनके अगेंस्ट फैसला लिया, लेकिन और वो कपिल सिब्बल वो वापस बैक हो गए ना, उन्होंने बोल दिया ना वापस बैक हो गए। अल्टीमेटली राजस्थान के चुनाव तो आ ही गए। क्या ये सारे जो मुद्दे जो हमने डिस्कस किए, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, क्या ये राजस्थान के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे या ये केवल रेफरेंस के लिए और राजस्थान के जो चुनावी मुद्दे हैं वो बिल्कुल इनसे अलग होंगे? राजस्थान का मुद्दा बहुत साफ है, राजस्थान की गरीब जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, रोजगार के लुभाव ने, नारे की बात हो चाहे मोदी जी के 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने की बात हो, चाहे GST को लेकर के, चाहे नोटबंदी को लेकर के, जो आम जनता पीड़ित हुई है हर दृष्टि से, सरकारी कर्मचारी है चाहे विभागों कर्मचारी है, सभी सेक्शन, माइनॉरिटी के लोग ले लो, चाहे गरीब तबके के लो लो, उनका जो है 2 रुपए किलो अनाज जो मिल रहा था उसमें उनके नाम लिस्टों में काट दिए गए राजस्थान में, अकेले 15,000 तो जाजपुर में कटे हैं, पूरे राजस्थान में क्या हाल। तो हर तरह से जो पीड़ित और गरीब जनता है उन्होंने तय किया है कि ये सरकार हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, इस सरकार को बदलना है। तो कुल मिलाकर चौधरी साहब का कहना है कि मुद्दे भले ही कुछ भी हो लेकिन राजस्थान की जनता जो वर्तमान बीजेपी का शासन है उससे त्रस्त है और इसलिए वो बदलाव का मूड बना चुके हैं और इसलिए उनको पूरा भरोसा है कि जनता इस बार वापस कांग्रेस को सत्ता सौंपेगी, अपनी चाबी सौंपेगी और आने वाले चुनाव में इसके परिणाम नजर आएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।